चलिए बेटा, कैसी लग रही है 10th क्लास? डिफिकल्ट और कंपेरेटिवली इजी देन 9th? डिफिकल्ट डिफिकल्ट है? क्या पार्ट डिफिकल्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री फिजिक्स। ठीक है, वेरी यस गुड। फिजिक्स किस किस को डिफिकल्ट लग रही है? ऑलमोस्ट एवरीवन। ओ माय गॉड, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर देयर जो बैठे हैं। आई थिंक 10th A में तो दो गर्ल्स ही दिखी हैं मुझे जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए। 10th B में ऑलमोस्ट एवरीवन 10th B में है जिसको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा हो और लग रहा है कि ठीक है, ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, एक ही स्टूडेंट का हैंड रेज आई थिंक 10th B में, मुझे और कोई नहीं दिख रहा है 10th B में। 10th A में जिसको ये चैप्टर थोड़ा सा, डू यू नो विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे? यस, पता Yes. है सबको क्योंकि वर्कशीट सामने पड़ी है ना, तो पता कैसे नहीं होगा। चलिए, लाइट करना है बेसिकली। अब मुझे ये बताइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो डिफिकल्टी आपको लग रही है, आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एम आई राइट? Yes. न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स? Yes. न्यूमेरिकल्स और रे डायग्राम्स क्या चीज डिफिकल्ट है ज्यादा? अमेरिका न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स, किस किस को न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं? काफी सारे बच्चे हैं ना 10th A में से। एम आई ऑडिबल क्लास 10th A? 10th A, इफ आई एम ऑडिबल जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है। चलिए बेटा देखो, आपको अगर न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लग रहे हैं ना, देट हैव टू रीजंस। कि एक तो आपका रे डायग्राम के ऊपर होल्ड नहीं है। सबसे पहला जो रीजन होता है, आपको लगता है रे डायग्राम एक अलग चीज है और न्यूमेरिकल्स एक अलग चीज है। दे आर डिफरेंट, बट न्यूमेरिकल्स तभी हो पाएंगे अगर आपको रे डायग्राम्स अच्छे से आते होंगे। रे डायग्राम की पिक्चर आपके दिमाग में होगी कि किस केस में कहाँ इमेज बनती है। दूसरी प्रॉब्लम कब आती है? जब आपको साइन कन्वेंशंस की दिक्कत होती है, एम आई राइट? आपको ये पता लग जाता है कि कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है। प्रॉब्लम यहीं पर आ रही है क्या कहीं और है? बताइए जरा, क्योंकि मैं उसी के अकॉर्डिंग क्लास स्टार्ट करूंगी फिर। इज देयर प्रॉब्लम विद द रे डायग्राम और विद द साइन कन्वेंशंस? साइन साइन कन्वेंशन, एक दो रिस्पॉन्स ही आए हैं। एवरीवन प्लीज टेल मी, हम साइन कन्वेंशन से स्टार्ट कर लें न्यूमेरिकल्स का पार्ट, इट विल बी ओके। ओके, यस मुझे सिर्फ 10th B का रिस्पॉन्स आ रहा है, 10th A की आवाज नहीं आ रही है, वेदर यू आर गिविंग द रिस्पॉन्स और नॉट। नहीं, आई थिंक योर माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कुछ बोलकर बोल रही है बेटा। हाँ जी, जहां पे माइक रखे। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो no. अरे हेलो हाँ, अभी आई है राइट नाउ। ठीक है, तो अब मुझे रिस्पॉन्स देते रहना बेटा, एंड जो भी क्लास के बाहर है अंदर है प्लीज सेटल डाउन हो जाइए बेटा, क्योंकि बार बार फिर ब्रीफ करना ना बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट करना हो जाता है जो ध्यान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो बी अटेंटिव, कोई भी पॉइंट आपका नहीं मिस होना चाहिए। हमने अभी करना है साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन आई नीड एटलीस्ट 2 और 3 रे डायग्राम्स, तो वो हम रफली एक बार प्लॉट कर लेते हैं ताकि मैं आपको साइन कन्वेंशन समझा सकूं। पहली चीज, साइन कन्वेंशन को याद नहीं करना। क्या नहीं करना? याद नहीं नहीं करना। करना, वी आर नॉट गोइंग टू क्रैम द साइंस। क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है साइंस की, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बेसिक समझना है, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, दैट्स इट। फॉर्मूला तो है ही कुछ भी नहीं, दो तो फॉर्मूला है आपके मिरर में, वन इज द मिरर फॉर्मूला एंड अनदर इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, जस्ट टू छोटे छोटे से फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, समझ? चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ चैप्टर लाइफ। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, दिस इज द कॉनकेव मिरर राइट? कैन यू से दैट दिस इज अ कॉनकेव मिरर? तो
यस, ये नो वाले कौन है? जस्ट रेज योर हैंड्स। ओके, 10th B, 10th B में से कौन मुझे बताएगा? एनीवन मैम, प्लीज आस्क एनीवन फ्रॉम 10th B। पॉलिश नहीं है मैम। यस, अनटिल एंड अनलेस उसकी एक साइड पॉलिश्ड नहीं होगी तब तक आप नहीं बता पाओगे कि ये कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, नाउ अगर मैं ये वाले साइड इसकी पॉलिश कर दूं इस तरीके से, नाउ कैन यू से दिस इज अ कॉनकेव मिरर? ठीक यस है, नाउ विच मिरर इज दिस? नो अभी नहीं पता। अगर मैं इसकी ये वाली साइड पॉलिश कर दूं देन विच मिरर इज दिस? मिरर। कॉनकेव। वेरी गुड। और अगर हम इसकी इनर साइड पॉलिश कर दे देन इट विल बी अ कॉन्वेक्स मिरर। दैट्स फाइन, वेरी गुड। ठीक है बेटा, अब चलिए, अब हम जो रफली ड्रॉ करेंगे ना, अगर मैंने ये वाली शेप ड्रॉ की दैट इज फॉर कॉनकेव, क्योंकि बार बार अगर मैं लाइन बनाऊंगी तो वो जो नंबरिंग करनी होती है हमें वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दिस इज फॉर कॉनकेव एंड दिस इज फॉर कॉन्वेक्स, राइट? किसी ओके को कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, बीच में साथ साथ में पूछ लेना। नाउ लेट अस से दिस इज अ कॉनकेव मिरर, दिस इज अ पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? यस आई एम पॉइंटिंग मार्किंग टू पॉइंट्स, दिस इज फोकस एंड दिस मच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? अब मैंने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट अस से मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे था कहीं पर, ठीक है, एंड आई गॉट द इमेज हेयर। दिस इज वन ऑफ द केस। हम साइन कन्वेंशन सीख रहे हैं, हम रे डायग्राम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है? आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द साइन कन्वेंशन। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल। सपोज दिस इज द केस, दिस इज फोकस, दिस इज पोल। इफ आई कीप माई ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल देन आई गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। ऐसा ही होता है, आपने रे डायग्राम्स किए, सिक्स्थ केस में यू कीप योर ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल द इमेज इज बिहाइंड द मिरर। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, योर इमेज, दिस वन इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज द इमेज। इज दिस क्लियर? वन मोर केस, हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग विच मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। सो इन दिस केस फोकस इज हेयर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज हेयर। लेट माई ऑब्जेक्ट, आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट हेयर एंड देन वेयर विल द इमेज विल बी फॉर्म? वेयर द इमेज विल बी फॉर्म? बिहाइंड वट विल बी द पोजिशन ऑफ द इमेज? इफ आई एम कीपिंग द ऑब्जेक्ट हेयर देन वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? बिटवीन ऑन फोकस बेटा तब होगी अगर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर होगा, अदरवाइज इन ईच एंड एवरी केस फॉर कॉन्वेक्स मिरर द इमेज इज फॉर्म बिटवीन पी एंड एफ ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज द इमेज विल बी फॉर्मड इन बिटवीन पी एंड एफ। एम आई राइट? सो यस नाउ वी आर गोइंग टू डू द साइन कन्वेंशंस। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द इमेज। ठीक है, चलिए पहले एक मिरर फॉर्मूला देख लीजिए। व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला? व्हाट विल बी द मिरर फॉर्मूला? ओके, दैट्स ओके। एंड वन इज वी हैव मैग्निफिकेशन, राइट? मैग्निफिकेशन दैट इज स्मॉल एम। दिस हैज टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, वन इज विद द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज एंड वन इज विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द पोल। एक तो हाइट्स के साथ रिलेटेड है हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक ऑब्जेक्ट का पोल से कितना डिस्टेंस है और इमेज से कितना डिस्टेंस है, दो तरीके से हम मैग्निफिकेशन को डिफाइन करते हैं। नाउ मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर
And another formula of magnification is minus V upon U. Now, what is this V, U and M? ये हम देखते हैं. Now, बेटा जो U होता है, this is the object distance. इसको हम क्या बोलते हैं? Object distance. Every distance is taken from the pole. अगर आप अपने coordinate geometry में उसमें चले जाओ, axis में, Y, X, this is the origin. This is from which point you will take the distance. If I says कि x axis के ऊपर 3 सेंटीमीटर का point लगाओ, तो कहाँ से देखोगे? From origin. तो यहाँ पर भी जब भी आपको कोई डिस्टेंस देखना है, तो आपने सब डिस्टेंसेस पोल से मेजर करने हैं. आपके स्केल का 0 पोल के ऊपर होना चाहिए. Am I right? Ma'am, yes. स्केल का जो 0 है, that should be on the pole. Is that clear? So every distance is taken from the pole. Object distance from the pole. Right? V is the image distance again from the pole. What is F? F kya hota hai beta? Focal length. And focal length kahan se? Which part of the diagram will show the focal length? Focus to pole. चलिए अभी देखो इस केस में आपका ऑब्जेक्ट ये रहा. दिस इज द पोल. ऑब्जेक्ट टू पोल. ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक की लेंथ को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. राइट बेटा? दिस इज द इमेज. फ्रॉम इमेज, फ्रॉम दिस पार्ट टू पोल, वी कैन से इट वी. दिस इज द इमेज डिस्टेंस. एंड फोकल लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल, दिस इज द फोकल लेंथ. इज दैट क्लियर? समझ आया? चलिए नीचे भी मार्क कर लेते हैं एक बार सब कुछ. नाउ हियर दिस इज द ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द, दिस विल बी योर यू. राइट बेटा? फ्रॉम फोकस टू पोल, फ्रॉम फोकस टू पोल इट इज एफ. नाउ इन दिस केस द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, सो वेयर विल बी वी? ठीक है बच्चे, नीचे वाले में आ जाए. अब लास्ट में आ जाए. दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द पोल, सो दिस विल बी योर यू. इमेज एंड पोल, इमेज एंड पोल के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वी. एंड पोल टू फोकस के लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ. इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो अभी आगे एक चीज और देखो. हमारे पास मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में दो न्यू टर्म्स हैं. एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ दिस इज द ऑब्जेक्ट, सो दिस लेंथ विल बी कॉल्ड, इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे? हाइट ऑब्जेक्ट. दिस इज इमेज, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ इमेज. इस केस में देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ी होगी. हाइट, सॉरी, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हियर दिस इज द हाइट ऑफ इमेज. ठीक है, इन दिस केस दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द हाइट ऑफ इमेज. ये दिख रहा है ना, काफी छोटा लिखा गया, बड़ा लिख दो इसको, या विजिबल है? विजिबल है. ठीक है, चलिए बेटा अब हम आते हैं हमारी साइन कन्वेंशन पर. इतना समझ आ गया बेटा सबको? चलो चल. नाउ आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में स्टडी की है. Yes, ma'am. दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स डैश एंड दिस इज दिस पॉइंट इज कॉल्ड. अगर मैं इस ओरिजिन को पी लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है? No.
कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ओ हम ओरिजिन को लिए ले लेते हैं, तो क्या इस पी और इस पी को हम कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, हमने अपने देखो यहाँ पे कर्व जरूर बन रहे हैं, बट हमने इस सिस्टम को और इस सिस्टम को एक जैसा ही लेकर चलना है। अभी ध्यान से सुनना सब कुछ, ठीक है? नाउ अब हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं यू के साइन की। ऑब्जेक्ट अगर मैं इसको ओरिजिन मान लो इस पॉइंट को, तो इस साइड वाले यहाँ पे वैल्यूज देखो पॉजिटिव होती है, यहाँ वैल्यू नेगेटिव होती है। अपवर्ड वैल्यूज क्या होती है बेटा? डाउनवर्ड पॉजिटिव, वैल्यूज। नेगेटिव। चलो वेरी, अगर ये आता है फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। नाउ इफ दिस इज माई ओरिजिन, अगर मेरे पास ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर वाली वैल्यूज क्या है मेरी? ओरिजिन से नेगेटिव, सब वैल्यूज जो भी इधर होगा सब नेगेटिव होगा। कंसीडर दिस पॉइंट एज ओरिजिन। सो वेयर इज यू? यू हमारा ओरिजिन के उस तरफ है या इस तरफ है? नेगेटिव। साइड, मतलब नेगेटिव साइड पर आ रहा है, तो वी विल टेक द साइन ऑफ यू एज नेगेटिव। राइट बेटा, इज दिस क्लियर? चलिए अब हम वी को देखते हैं, इमेज डिस्टेंस को देखते हैं। इमेज डिस्टेंस, दिस इज अ ओरिजिन, वैल्यू कहाँ आ रही है मेरी? नेगेटिव साइड पर। देखो इसके साथ कंपेयर करो, इधर आ रही है। द वैल्यू ऑफ वी ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव। हु विल टेल मी द साइन ऑफ फोकल लेंथ? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा फोकल लेंथ? नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है, ये भी हमारा नेगेटिव। देखो ये इसको ओरिजिन मानकर चलना, आपने दिमाग में एक चीज ये रखनी है कि दिस पी इज द ओरिजिन, और ओरिजिन के इस तरफ जो भी चीजें होती है नेगेटिव, ओरिजिन के जो इस तरफ जाएंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, घर वाले एरो में सब नेगेटिव मिलेगा। ये चीज देखनी है बस आपने। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आते हैं हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साइन के ऊपर। अब मुझे ये बताइए, ये जो अपवर्ड एरो है ये हमें क्या साइन दे रहा है? इसमें पॉजिटिव, इसमें अपवर्ड एरो भी है और हमारे पास डाउनवर्ड एरो भी है। तो ये अगर नेगेटिव। मैं अपवर्ड एरो को इस अपवर्ड एरो के साथ कंपेयर करूं, देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज ए। राइट, हेयर द हाइट ऑफ इमेज, इसको इसके साथ कंपेयर करूं, नेगेटिव। इमेज विल बी नेगेटिव। समझ आया बेटा सबको? ठीक Yes. है, अच्छा अब एक काम करो, ये डायग्राम किसने ड्रॉ तो नहीं किया कॉपी में? किसी No. ने नहीं किया? चलो अभी यहां पर हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में आप खुद से मुझे बताओगे, एक बार और डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए, यू दिस इज द ओरिजिन, यू इज ऑन विच साइड, नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड? Negative. साइन ऑफ यू इज नेगेटिव। फोकल Negative. लेंथ, फोकल लेंथ ऑन विच साइड? फोकल पॉजिटिव। लेंथ, फोकल लेंथ। देखो अगर आप इसको ओरिजिन मान लेते हो पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को आप ओरिजिन मानते हो, तो इधर वाली वैल्यूज क्या लेते हैं हम? तो नेगेटिव। फोकल लेंथ किस साइड है, इस तरफ है या नेगेटिव साइड है या पॉजिटिव साइड है? तो फोकल लेंथ इज ऑल्सो। नेगेटिव। अब वी पर आइए, दिस इज द ओरिजिन, वी पीछे आगे मतलब नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड? पॉजिटिव। पॉजिटिव, द साइन ऑफ वी इज टेकन एज। समझ पॉजिटिव। आया बेटा इतना? यू वी और एफ के साइंस क्लियर है आप सबको? अभी यस। भी किसी को डाउट, जस्ट रेज योर हैंड्स, आई विल एक्सप्लेन वंस मोर। किसी को भी अगर कोई डाउट है, एनीवन इन द क्लास, यू वी और एफ, अभी तीन ही पूछ रही हूं मैं, नो प्रॉब्लम? चलिए दैट्स वेरी गुड। चलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन एज नेगेटिव। वेरी गुड, एंड हाइट ऑफ द इमेज, सी देखो अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है? जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तभी मैंने बोला था कि रे डायग्राम जिसको स्ट्रांगली प्रिपेयर होंगे ना, वो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे कर पाएगा।
ऐसा नहीं है कि रे डायग्राम के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते, बट जिसका होल्ड ज्यादा होगा न्यूमेरिकल्स पे, सॉरी रे डायग्राम से, वो ज्यादा अच्छे से समझेगा न्यूमेरिकल्स को, ठीक है? सो डू प्रैक्टिस फॉर रे डायग्राम्स ऑल्सो, ठीक है जी? चलिए आगे चले आप, सब साइन क्लियर है? ये वाला डायग्राम रफली नोटबुक में बनाओ और फटाफट सब अपने अपने लिए साइन कन्वेंशंस लिखो, फिर हम कंपेयर करेंगे किसने सब सारी ठीक लिखी है। एंड प्लीज डोंट चीट। यस ओके बेटा, साइन कन्वेंशंस हो गई, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, व्हाट विल बी द साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सी। नेगेटिव अच्छा, मुझे, मैं एक बार मार्क कर रही हूँ, मुझे बताना कि मैंने ठीक मार्क किए या नहीं किए, ठीक है? एक बार मैं साइन मार्क कर रही हूँ, आप मुझे बताना मैंने गलती तो नहीं की कोई। दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है? पॉजिटिव हाँ, ही इज पॉजिटिव, ओके, बाकी सब ठीक है? पॉजिटिव ही पॉजिटिव एफ शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, ठीक है? आई होप सबको क्लियर हो गई है साइन कन्वेंशंस, ठीक है? जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा, जस्ट मेक अ पिक्चर ऑफ रे डायग्राम इन योर माइंड एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द साइन कन्वेंशंस एग्जैक्टली राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वर्कशीट, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल्स। द पर्पस इज दैट यू विल अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशंस मच बेटर, राइट? सो अगर साइन कन्वेंशंस आ गए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा इसमें, फिर तो आप डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स भी इजिली सॉल्व कर लोगे। मैं वो रब नहीं कर रही हूँ रे डायग्राम्स, ठीक है? लुक एट योर फर्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज मतलब हाइट, हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है? कई मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में आपको हाइट वर्ड नहीं बोला जाएगा, न्यूमेरिकल्स में जब भी हाइट कैलकुलेट करनी होगी आपको साइज ही बोला जाएगा। किसी किसी न्यूमेरिकल्स में हो सकता है हाइट भी बोल दें, बट मैक्सिमम टाइम साइज ही होगा। नेचर मीन्स, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, नेचर मीन्स रियल और वर्चुअल, द इमेज फॉर्म इज रियल और वर्चुअल, राइट? एंड पोजिशन ऑफ इमेज मीन्स, पोजिशन ऑफ इमेज मीन्स दैट इज वी, आपको ये कैलकुलेट करना है, वी पोजिशन ऑफ इमेज मीन्स वी कैलकुलेट करना है। एम आई क्लियर? जब भी साइज की बात होगी तो हाइट निकलेगी, पोजीशन की बात होगी तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज पूछा गया तो वी निकलेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा गया है तो यू कैलकुलेट होगा, और अगर फोकल लेंथ पूछी है वो तो पता लग ही जाएगी, इतने तो इंटेलिजेंट हैं हमारे बच्चे, है ना? चलो ओके जी, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द साइज नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इट इज नॉट हेन, इट इज वेन, वेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी मैं लिख रही हूं, फिर हम शॉर्ट में यूज करेंगे बेटा, मीन्स एच ओ आपको गिवन है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रखा गया है कुछ डिस्टेंस पर, इट मींस ये क्या गिवन है मुझे, वी और यू यो गिवन है, यू कितना गिवन है बेटा मुझे, 15 यो सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर, अब एक रफली अपने माइंड में पिक्चर बना लो, दिस इज द कॉनकेव मिरर,
एंड कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है, मैं कुछ मार्क नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर वाली वैल्यूज क्या लेंगे हम, नेगेटिव। नेगेटिव, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर का फोकस कहाँ होता है, मिरर के पीछे होता है या मिरर के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो अगर यहाँ पर है तो फोकल लेंथ भी इधर ही होगी, फोकल लेंथ यहाँ है तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, यहाँ पर ये चलते हैं लेकर बार बार ना, एक दो बार बनाऊंगी ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि हम इधर को हाफ कर रहे हैं कि फोकल लेंथ इधर है, अगर ये ओरिजिन है तो इस साइड वाली वैल्यूज नेगेटिव, तो फोकल लेंथ भी हो गई आपकी नेगेटिव, समझ आया बेटा ना, वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, 1/u = 1/f, नाउ वी वी हैव टू कैलकुलेट, यू यू की वैल्यू कितनी है 1/-15 एंड f इज -1/10, सो इट विल बी 1/v -1/15 -1/10, इसको शिफ्ट कर दो आप, -1/10 +1/15, व्हाट विल बी द एलसीएम, 30 -3 + 2, इट विल बी -1/30, माइंड इट दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/v, तो व्हाट विल बी v, हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, v विल बी -30 सेंटीमीटर, नाउ रेस्ट व्हाट दे आर आस्किंग, ये हमारा पोजीशन ऑफ इमेज निकल आया है, हमसे v पूछा गया था ना, पोजीशन ऑफ इमेज दैट वी हैव कैलकुलेटेड, नाउ वी आर बैक टू साइज ऑफ द इमेज, अब यहां पर बेटा ध्यान से देखना, साइज ऑफ द इमेज मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में टर्म आती है ना, कि मैग्निफिकेशन इज HI/HO, डू वी हैव मैग्निफिकेशन, इट इज गिवन, क्या क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन हमें गिवन है, तो हम क्या क्यों ना मैग्निफिकेशन का नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करके देखें, क्या इस फॉर्मूले से हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन, सो हाउ, मैग्निफिकेशन वी अभी हमने कैलकुलेट किया था -30 एंड यू कितना था आपका -15, दिस एंड दिस विल बी कैंसल, मैग्निफिकेशन इज -2, ये मैग्निफिकेशन निकला, अब हम इस फॉर्मूले में डाल देते हैं वैल्यू, तो -2, नाउ -2 इक्वल्स टू HI/ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 1, सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ इमेज, -2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे, चलिए समझ आए, कई बार हमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन होती तो हम मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूला से किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करके हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू को, नाउ वन थिंग इज स्टिल लेफ्ट, द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर में आप मैग्निफिकेशन में साइन को देखिए बेटा, व्हाट इज द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एम इज नेगेटिव इमेज इज रियल, इफ एम इज पॉजिटिव इमेज इज वर्चुअल, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रियल एंड इन्वर्टेड भी लिख सकते हो बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है जी, नेवर यू गॉट द नेगेटिव साइन विद मैग्निफिकेशन, इट मीन्स द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड एक लकीली ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि लेंस में भी ये सेम चलेगा, लेंस में भी ये पार्ट आपका सेम रहेगा, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव द इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, एम आई क्लियर, यस मैम, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाँ जी, कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है, चलिए रीड कीजिए, जरा लिखना स्टार्ट कीजिए, ये रब कर दो ना, मैं सबने कर लिया नोट डाउन,
अच्छा न्यूमेरिकल्स भी बेटा दो तरीके से आते हैं आपको। एक न्यूमेरिकल होता है जिसमें मिरर फॉर्मूला पहले यूज होता है एंड देन वी अप्लाई द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मैग्निफिकेशन फर्स्ट लगेगा फॉर्मूला एंड देन वी विल यूज द मिरर फॉर्मूला, राइट? तो इसमें कोई नंबरिंग नहीं है कि यही फॉर्मूला पहले लगना और मैग्निफिकेशन का बाद में लगना। दीज आर जस्ट टू फॉर्मूलाज। तो कोई भी फॉर्मूला आपका पहले अप्लाई हो सकते हैं और कोई भी फॉर्मूला आपका बाद में अप्लाई हो सकता है, ठीक है? चलिए, नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। बेटा दिस मिरर इज गिवन टू यू, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है? ऑब्जेक्ट एक रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से कितने डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर पे। मतलब इस केस में मुझे यू कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द साइन ऑफ यू? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर आप थोड़े न्यूमेरिकल कर लोगे ना फिर आपको पता लग जाएगा कि यू तो हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, यू कभी पॉजिटिव नहीं लिया जाता। ऑलवेज एंड ऑलवेज 101% एवरी टाइम यू विल टेक यू एज नेगेटिव, ठीक है? हम तो हमारी रेज यहां से एंटर कर रही है इसलिए, अगर वहां से आएंगी वो फिर अलग अलग केसेस बनेंगे, वो मैं बाद में डिस्कस कर सकते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे अभी, ठीक है? चलिए, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ देखो, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, इसका फोकस कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, यहाँ होते हैं। तो अगर ये हमारा ओरिजिन है तो उस साइड वाली वैल्यूज क्या होती है हमारी, पॉजिटिव। इधर हम अगर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, यहां आएंगे तो नेगेटिव, ठीक है जी? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मींस वी निकालना है और नेचर ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है? नेचर बेटा दो तरीके से बता सकते हो, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करके भी नेचर बता सकते हो। अदरवाइज द मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है, पता है ना? बिहाइंड द मिरर होती है जो इमेज, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है, ठीक है जी? समझ आई ये चीज? चलिए, नाउ अगेन फॉर्मूला इज 1/v प्लस 1/u इज 1/f। तो 1/v वी हैव टू कैलकुलेट, प्लस 1/2 -20, 1/10। तो इट विल बी 1/v, 1/10, इट विल बी प्लस 1/20। सॉल्व कीजिए जरा, व्हाट विल बी द एलसीएम? इट विल बी 20, 2 + 1, इट विल बी 3/20। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/v। v इज 20/3, 20/3 इज 6.67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, ठीक है जी? अच्छा एक चीज और देखना, अब यहां पर v का साइन मुझे क्या मिले, पॉजिटिव आना चाहिए था या नहीं चाहिए था? पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए था। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर आंसर। इफ मेरा यहाँ पे कहीं पे गलती से नेगेटिव साइन आ जाता एंड आई नो दैट द आंसर शुड बी पॉजिटिव, तो इट मीन्स देयर इज सम कैलकुलेशन प्रॉब्लम। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, वी आपका पॉजिटिव था या नेगेटिव था? अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया, नेगेटिव, क्योंकि उसमें ये वाला मिरर था और इसमें वी हमें क्या चाहिए था, नेगेटिव था, एंड वी हैव द आंसर इन नेगेटिव, ठीक है? अगर बाय चांस किसी का +30 आ जाता, +25 आता, कुछ और बन जाता, इट मीन्स यू नो दैट इट आपको पता लग जाता कि नहीं, वी तो मेरा इस क्वेश्चन में नेगेटिव ही आना चाहिए था, ठीक है? तो आप चेक कर लेना कि कैलकुलेशन में कहाँ गड़बड़ हुई है, ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए। अच्छा थर्ड क्वेश्चन हम थोड़ा सा रुक के करते हैं अगर टाइम बचता है तो। फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ आपसे, ठीक है? फोर्थ एंड फिफ्थ एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1.5,
अगर मैग्निफिकेशन आपको 1.5 चाहिए, अच्छा 1.5 1 से बड़ा है या छोटा है? 1.5 छोटा बड़ा की बात कर रही हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट -1.5, मैंने सिर्फ 1.5 पूछा। बिगर गर्दन बेटा जो भी आपकी वैल्यूज में नेगेटिव साइन यूज होते हैं ना, दे जस्ट शो द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द थिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड पॉजिटिव साइन शोज द थिंग्स आर बिहाइंड द मिरर, दैट्स इट। डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, आपने 9th में पढ़ा तो है, डिस्टेंस के नेवर भी नेगेटिव, तो वी की वैल्यू नेगेटिव आप क्यों लिख रहे हो फिर? -30 लिख रहे हो ना, माइनस वो सिर्फ ये बता रहे कि सामने है, पोल के इन फ्रंट है, पोल के बैक साइड पर नहीं है, ठीक है? तो मैग्निफिकेशन में भी सिर्फ नेगेटिव साइन ने मुझे ये बताया द इमेज इज रियल, ठीक है? हम यहां पर कंसीडर करेंगे सिर्फ 1.5 को, इज दैट क्लियर? बड़ा ठीक है, चलिए अब 1.5 मुझे बताइए 1 से बड़ा है या नहीं है? बड़ा है, इट इज ए लार्जर वैल्यू। अच्छा अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है इस केस में? वेयर विल द इमेज फॉर्म्ड? एट सी, और एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। अगर मैं इस केस में कैलकुलेशन करूं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज, तो कैन आई, जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही होगा। यस तो अगर हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू 2 डाल दे तो व्हाट विल बी द आंसर? 1। तो मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली 1 मुझे कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है, ठीक है, समझ आया? नाउ इफ आई नीड मैग्निफिकेशन लेस देन 1, तो मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ कर रखना पड़ेगा बेटा? इस इन पोजीशंस पर, यहां कहीं रखना पड़ेगा मुझे ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी, इफ आई नीड द मैग्निफिकेशन लेस देन 1। ठीक है, देखो बियॉन्ड सी रखा तो ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनती है, ठीक है? जब भी मुझे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 चाहिए तो मेरे को सी से आगे आना पड़ेगा, मतलब इस तरफ आना पड़ेगा। 1 से बड़ी इमेज के लिए मिरर की तरफ आ जाओ, 1 से छोटी इमेज चाहिए मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम चाहिए तो मिरर से दूर चले जाओ, ठीक है? क्योंकि सी मुझे एक ऐसा पॉइंट पता है जो मुझे एग्जैक्टली 1 वैल्यू देगा, 1 से ज्यादा वैल्यू के लिए इधर आना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन की कम वैल्यू के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, राइट बेटा? ठीक है, सो व्हाट विल बी इट्स आंसर? अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1.5, मतलब रियल इमेज बन रही है विद मैग्निफिकेशन 1.5 विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। ओके जी, आपको ये भी दे रखा है 16, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होगा बेटा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने डिस्टेंस पर होगा? 32। डबल हो जाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस। अब मुझे इसमें से राइट आंसर बताइए, द ऑब्जेक्ट विल हैव टू बी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस बिटवीन 32 एंड 16 सेंटीमीटर बियॉन्ड 64। 64 मतलब ये 16, 32 मतलब यहां कहीं जाकर 64 आया आपका, इधर रखेंगे या उधर रखेंगे पहले तो ये बताओ, क्योंकि हमें ग्रेटर देन 1 चाहिए, नेगेटिव टुवर्ड्स द पोल रखेंगे, है ना ऑब्जेक्ट को? सी ऑप्शन तो आपकी वैसे ही खत्म हो गई है, सी ऑप्शन कह रहा है बिटवीन 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। 6 मतलब समथिंग हेयर, 16 आपका ये वाला पॉइंट है, दिस इज 16। अगर आप 6 और 16 के बीच में रखते हो तो ये वाला केस बन जाएगा आपका, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ इमेज बनेगी ना आपकी, तो इज इट अ रियल इमेज और इट इज अ वर्चुअल इमेज? हमें मैग्निफिकेशन माइनस में दी है तो हमें कैसे रियल इमेज चाहिए? हमें मैग्निफिकेशन दी है -1.5, नेगेटिव साइन शोज द इमेज इज रियल, तो
ऑप्शन भी गई आपकी, सी भी नहीं चाहिए। डी कह रहे हैं बिटवीन 48 एंड 32 सेंटीमीटर, तो 48 समथिंग हेयर होगा, तो यहाँ क्या रखेंगे हम, 32 ये रहा, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पसंद करोगे आप? यस यस। क्यों? क्यों, हमें तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 चाहिए बेटा, यहां तो लेस देन 1 मिलेगी। बताओ कौन सा आंसर सही बनेगा, ए और डी? दो ही ऑप्शन बची हैं आपके पास। कंफ्यूज्ड लिटिल बिट बेटा, आंसर विल बी ए। अभी मैंने बताया देखो, ये वाली वैल्यू हम इधर आ रहे हैं, 64 वाला केस इधर आना पड़ेगा, 6 to 16 वाले में हमें वर्चुअल इमेज मिल गई, वो भी हमें नहीं चाहिए, तो ऑप्शन कौन सी बची, 32 to 16, मतलब यहां कहीं पर आपको ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आया समझ, 32 to 16 के बीच में। एम आई क्लियर? जब ऑब्जेक्ट सी पर होते हैं तो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, 1, ऑलवेज 1, एंड इफ वी नीड द मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, वेयर वी विल मूव, वेयर द ऑब्जेक्ट विल मूव, टूवर्ड्स द पोल और अवे फ्रॉम द पोल? अगर मुझे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 चाहिए, देन वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द, एंड वेन वी नीड द मैग्निफिकेशन लेस देन 1, वेयर वी विल मूव, अवे फ्रॉम द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर पॉइंट, इसके उधर या इधर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th देख लेते हैं बेटा। तो द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है बेटा, चलिए नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 5th। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिखने में अजीब सा लग रहा है, क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। द रिलेशन, मैम यस 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 बेटा बोलिए व्हाई वी डिडंट चूज डी हियर? बेटा। डी इज बिटवीन 48 एंड 32 ना, 32 पे तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, देखो यहाँ पे था ना, हेयर वी आर गेटिंग वैल्यू 1, दिस साइड वी विल गेट वैल्यू लेस देन 1, एंड हेयर वी विल गेट मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, तो हमें तो ग्रेटर देन 1 चाहिए ना बेटा, 1.5 इज ग्रेटर देन 1, राइट? यस ठीक है, अभी स्टिल डाउट है तो बता दो बेटा, आई विल एक्सप्लेन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5th देखिए बेटा, द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ। क्वेश्चन नंबर 5th, रिलेशन बिटवीन द फॉर्मूला इज 1/b v, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, नाउ इफ यू सी केयरफुली इन द ऑप्शंस, इन ऑल द ऑप्शंस वी इज नॉट देयर, इन ऑल द ऑप्शंस वी इज नॉट देयर, मीन्स इमेज डिस्टेंस इज नॉट देयर, इट मीन्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी इज एलिमिनेटेड, एंड एम इज गिवन इन एवरी फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इज गिवन, इट मीन्स यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यू विल चूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, फ्रॉम हेयर वॉट विल बी वी, माइनस वी इज एम इन टू यू, एंड वी विल बी माइनस एम, राइट बेटा? नाउ ठीक है, अभी हमें कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वी की। अभी क्या हो जाएगा, 1/v की जगह हम -1 mu लिख सकते हैं, यू विल बी रिमेन एज इट इज, एंड एफ विल बी रिमेन एज इट इज। नाउ कैन आई टेक, कैन आई राइट दिस लाइक लाइक दिस, ऐसे लिखें, माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया। ठीक है, समझ आया? या फिर इसको मैं ऐसे लिख लूं, 1/u पहले और -1/mu बाद में, ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैन आई टेक 1/u कॉमन, यहां से लिया तो इट इज 1, एंड यहां पर आपके पास बचेगा -1/m, इट इज लाइक दिस, 1/u, टेक द एलसीएम, इट विल बी एम, एंड इट विल बी एम माइनस 1, इट विल बी 1/f। नाउ नथिंग यू हैव टू डू, यू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को यहीं रहने दो,
एफ को यहां पर ले आओ और यू को ऊपर ले जाओ. ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमिरेटर में आ गया. यू इज डिनोमिनेटर, इट विल बी इन न्यूमिरेटर. सो विच ऑप्शन विल बी द राइट वन? यू इक्वल्स टू एफ इंटू एम माइनस एफ वन माइनस वन ए अपॉन एम. अपॉन विच वन इज द राइट आंसर देन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, कुछ था इस क्वेश्चन में? ज्यादा कुछ नहीं था मेरे अकॉर्डिंग. समझ आया बेटा? ऐसे ना कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें किसी में यू नहीं होगा, वी होगा. ठीक है, हो सकता है यू मिसिंग कर दे और वी हो, राइट? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. चलिए एजम्पशन रीजन देख लेते हैं बेटा. मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेजेस टेकन नेगेटिव. अभी मैंने समझाया, मैग्निफिकेशन ऑफ रियल इमेजेस टेकन नेगेटिव, ट्रू तो इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स बताइए. इट इज ऑल्सो ट्रू. सो अगर दोनों ट्रू है तो अब दो ही ऑप्शन बची, या तो ए आंसर होगा या बी आंसर होगा. इट विल बी ए और बी. इट इज ए. हाउ? देखो इस केस में हाइट ऑफ इमेज इज नेगेटिव ना, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव. यस ठीक है, तो यहां मुझे जो भी आंसर मिलेगा दैट विल बी नेगेटिव ना. कुछ भी आंसर आए, कोई भी वैल्यूज आए, तो आंसर तो नेगेटिव में ही मिलेगा ना मुझे. यस ठीक है, बट अगर मैं इस केस में देखूं, इस केस में अगर हम देखें, इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे हाइट ऑफ इमेजेस पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव, व्हाट आंसर आई विल गेट हियर? ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव. समझ आया? यहां पर मुझे हमेशा मिला पॉजिटिव जब भी. अच्छा इस केस में भी देख लेते हैं, यहां पर हाइट ऑफ इमेज क्या है मेरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? पॉजिटिव. अगर ये दोनों पॉजिटिव है द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. चीज आपने देखी, जब भी इमेज ऊपर की तरफ बन रही थी, मींस वर्चुअल बन रही थी, तो मैग्निफिकेशन हमें पॉजिटिव मिल रही है, और जब इमेज इन्वर्टेड बनती है तो मैग्निफिकेशन मुझे क्या मिलती है? नेगेटिव. तो कहां से आया पॉजिटिव नेगेटिव साइन? फ्रॉम दिस फॉर्मूला ओनली. सो द राइट आंसर इज ए. ठीक है कंप्लीट बेटा, चलिए डाउट क्लियर हुआ ये वाला सबका? क्योंकि क्लियरली देखने में इसका बी आंसर लग रहा है. जिसको नहीं अच्छे से पता होगा उसको बी ही मार्क करेगा आंसर को, बट द राइट आंसर इज ए. नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन मैग्निफिकेशन के हमारे इन ही फॉर्मूला से आते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन. इफ अ स्फेरिकल मिरर इज डिप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अगर किसी स्फेरिकल मिरर को वाटर में डिप किया जाता है, पानी के अंदर डाल दिया है, कंटेनर भरा हुआ है पानी का, उसमें हमने एक मिरर को डाल दिया, ठीक है, द फोकल लेंथ रिमेन अनचेंज्ड. अगर किसी मिरर की फोकल लेंथ लेट अस से 3 सेंटीमीटर है, क्या पानी में डालने के बाद या किसी अनदर सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या उसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर से कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी या सेम रहेगी? बताइए. ठीक है, ये सपोज मेरे पास पानी का कंटेनर है, मैंने इसके अंदर डाल दिया है, एक मिरर डाल दिया, ठीक है, ये कोई मिरर डाल दिया मैंने इसके अंदर, इसकी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, हाफ कर लेते हैं, 3 सेंटीमीटर थी ओरिजिन से. बताओ क्या ये बदलेगी? नहीं चेंज होगी, मिरर की फोकल लेंथ चेंज नहीं होती. ठीक है, तो इट इज ट्रू. अब क्यों नहीं होती, रीजन देखते हैं कि ये सेट आ रहा है रीजन या नहीं. फोकल लेंथ डजेंट डिपेंड अपॉन द मीडियम इन विच द मिरर इज प्लेस्ड, दिस इज ऑल्सो ट्रू बेटा. ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कहीं पे भी रख दो, उसको कोई ऑयल में रख दो, वाटर में रख दो, मिल्क में रख दो, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल नॉट चेंज. क्या चेंज होगी फोकल लेंथ मिरर की? तो
अगर यही क्वेश्चन में मिरर की जगह लेंस कर देते तो सब फॉल्स हो जाता। यस मैम। इसको ध्यान में रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब आप लेंस भी कर लोगे ना, देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल डिस्टर्ब यू। कर लिए लेंस, मैंने पूछा भी नहीं आपसे, हैव यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर? नो मैम। ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिरर की जगह आपको बोल देते कि लेंस रखा गया है, कोई लेंस को रख दिया, लेट अस से दिस इज अ लेंस, तो अगर इसके फोकल लेंथ पूछते तो डेफिनेटली द फोकल लेंथ विल चेंज। ठीक है बेटा, ठीक है। इस केस में हमारा रीजन भी ट्रू है, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम और एनवायरमेंट इन विच इट इज प्लेस्ड। कहीं पे भी रख दो उसको, मिट्टी में रख दो, सॉइल में रखो, कहीं पे भी रखो, फोकल लेंथ विल नॉट चेंज। सो अगेन द राइट आंसर विल बी ए। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसको अलग से मार्क कर लो और लिख लो, फॉर लेंस, अगर लेंस हो जाएगा तो ये दोनों चीजें फॉल्स हो जाएंगी उसकी, फिर दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अगर मिरर में इसकी जगह लेंस कर दिया जाए तो। ठीक है बेटा, चलिए केस स्टडी देख ले अब जल्दी से एक बार। चलिए करें, चलिए केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से करके बताओ सभी अपना अपना। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर? देखो ओरल क्वेश्चन है ये, दिस इज द ओरल वन। आपको बोला गया है सी ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ आपको कितनी दी गई है बेटा, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ये पोल, दिस इज फोकस, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब यहीं पर ये ऑब्जेक्ट भी है आपका, ये भी यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। देखो कितना इंपॉर्टेंस है रे डायग्राम का बेटा, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस एंड द व्हेन एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस वेयर द इमेज इज फॉर्मड इनफिनिटी। इंफिनिटी, सो यू नीड नॉट टू बी कैलकुलेट द आंसर। ठीक है, सो व्हाट विल बी द आंसर? यस, अगेन मार्क दिस क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, इट इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल देखते ही भागने लग जाते हैं कि फटाफट कर दो सॉल्व। ठीक है, हर चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पोजीशन देखो पहले, ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ गया है। ठीक है, चलिए। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -2, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इज, अगर माइनस रियल एंड इन्वर्टेड, वेरी गुड। कौन बताएगा रीजन मुझे इसका, एनी वन? यस, 10 थे, 10 थे। यस, युवराज सिंह, इज ही प्रेजेंट इन द क्लास? लास्ट में आगे सारे बेंच खाली पड़े हैं। चलिए चलिए जल्दी से, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्यों बन रही है? आंसर मिल चुका है ए। व्हाई द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड इफ मैग्निफिकेशन इज -2? चलिए चलिए जल्दी से बताइए बेटा, लिखा भी हुआ है बोर्ड पे मैंने, अभी तक रब भी नहीं किया। क्या -magnesium चीज दोबारा बोलना बेटा? नो विस्परिंग, बनेगी। इमेज नीचे बनेगी। नहीं, वो तो आप रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब बता रहे हो ना, मैंने ये पूछा कि मैग्निफिकेशन -2 है, आंसर रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड ही क्यों है आंसर? चलिए चलिए चलो, गगनजोत 10 थे,
आ जाओ आ जाओ। अब 15 मिनट क्वेश्चन आंसर राउंड ही चलने। बिहाइंड फोकस। बिहाइंड फोकस। अच्छा वेरी गुड, शाबाश, बड़ा प्यारा आंसर दिया आपने। चलिए और कौन बताएगा मुझे। चलिए जैस्मीन। बेटा क्लास में हो चुका है, मैं समझा रही हूं, कुछ तो पढ़ लो। हाँ जी जैस्मीन। बेटा मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आंसर भी हमें पता है, क्वेश्चन भी पता है, आंसर वही क्यों चूज किया हमने? क्या रीजन है रियल एंड इन्वर्टेड लेने का? यस मैं फ्रॉम 10th B एनीवन? 10th B। फ्रॉम 10th। कौन बोल रहा है इस टाइम, कौन बता रहा है मुझे? हाँ जी बेटा बोलिए। मैग्निफिकेशन इज इन माइनस देन वी देन द नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इनवर्टेड। वेरी गुड। व्हेन द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। सब कुछ तो लिखा हुआ था बेटा, पढ़ लो ध्यान से थोड़ा सा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा देख लो ध्यान से। ये चीजें छोटी छोटी जो बोर्ड में परेशान करती हैं, एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं फिर ट्विस्ट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिरर फॉर्मूला होल्ड्स फॉर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर और ऑल टाइप ऑफ मिरर्स। टाइप्स इवन प्लेन मिरर के लिए भी हमारा मिरर फॉर्मूला होल्ड करता है बेटा, सिर्फ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स के लिए होल्ड नहीं होता। प्लेन मिरर्स आर आल्सो मिरर्स एंड द मिरर फॉर्मूला होल्ड्स फॉर प्लेन मिरर आल्सो। इज इट क्लियर? अब भी हमारा, हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक थर्ड क्वेश्चन, कर ले बेटा जल्दी से। चलिए मैंने नहीं बताना इसका कुछ भी, आप 10th B, 10th B में से मेरे पास कौन आएगा? चाहत। एंड गेट रेडी एवरीवन, मैंने किसी से भी साइन कन्वेंशन पूछ लेनी है। चाहत आइए बेटा। यस बेटा, शीट भी ले आओ ना बेटा साथ में, क्वेश्चन तो रीड करोगे। चलिए रीड कीजिए जरा। अ सिक्योरिटी मिरर। सिक्योरिटी मिरर यूज इन अ बिगर शोरूम रेडियस ऑफ कन्वेक्स 5 मीटर इफ अ स्टैंडिंग अप एट द डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर वेरी गुड। कैश ऑन द कैश काउंटर रजिस्ट्रेशन नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म फॉर्मिंग इन द सिक्योरिटी मिरर। आपको पता है सिक्योरिटी मिरर कौन सा मिरर होता है? विच मिरर इज द सिक्योरिटी मिरर? यस चाहत, कौन से मिरर को हम एज अ शॉप सिक्योरिटी मिरर यूज करते हैं? कंकेव मिरर कॉनकेव मिरर, वो तो उल्टा दिखा देगा सब कुछ। हम कॉन्वेक्स यूज करते हैं बेटा, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। हमें इमेज भी, हमारे व्हीकल्स में कौन सा मिरर होता है? जो बैक व्यू मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर होता है? इट्स ऑल्सो कॉन्वेक्स चाहत, इट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स बेटा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर हमें सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज दिखाता है। ट्रैफिक जो पीछे से आता है सीधा ही दिखता है या उल्टा दिखता है? सीधा दिखता है और एक्चुअल साइज से छोटा भी होता है। तो ये अगर ये दोनों केसेस हमें चाहिए कि इमेज सीधी भी दिखे और बड़ा साइज है तो छोटी होकर दिखे, तो हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे इसमें ये बताइए, जस्ट मुझे टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हेयर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा है इसमें? 20 मीटर 20 मीटर। ओके, व्हाट साइन यू विल टेक फॉर दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा? चलो बताओ मुझे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे या इधर रखूँ मैं ऑब्जेक्ट?
ये वाली पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर ठीक है या बिहाइंड द मिरर ठीक है? ये मेरा कॉन्वेक्स है, यहाँ पे साइड पॉलिश्ड है। चलो यस चाहर, बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर जाके कैसे रखोगे बेटा ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही रखोगे ना, ये पोजीशन नहीं रखेंगे बेटा, ये तो मिरर के अंदर जाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हम यही रखेंगे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है तो साइन ऑफ यू विल बी, यू क्या होगा बताओ? नेगेटिव। नेगेटिव। पहले पॉजिटिव क्यों बोला? ठीक है, तो ऐसे देखते हैं हम। चलिए वेरी गुड, अभी प्रैक्टिस करो बेटा, चाहत इसकी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा वीक आपका, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगी ये चीजें, ये तो आनी है एग्जाम में फॉर श्योर। ठीक है, चलो वेरी गुड, बैठिए जरा सीट पे। मुझे मनकरण फ्रॉम 10th B। हाँ जी यस, बेटा, मुझे बताइए और क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में और फाइंड क्या करना है आपको? सेंटर ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सी टू पी वाला। कैन यू कैलकुलेट फोकल लेंथ फ्रॉम रेडियस ऑफ कर्वेचर? कैसे यस सर। निकालोगे बेटा बोलो? अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर दे रखा है, या 5 मीटर है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर मीटर मीटर मीटर, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? फोकल हाफ लेंथ हाफ कर देंगे, वेरी गुड, इसकी हाफ हो जाएगी, 5/2, इट विल बी 2.5 मीटर। ठीक है जी, चलिए फोकल लेंथ मिल गई। अब मुझे फटाफट इसका साइन बताओ, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव वेरी गुड, ठीक है, तुक्का मारा ये पता है कैसे बताया। पॉजिटिव? चलो अब पता लगा लेते हैं हम, पता लगाना कौन सा मुश्किल है, कैसे पॉजिटिव है? चलो, बिहाइंड क्योंकि बिहाइंड द मिरर, दिस इज द केस, बिकॉज वी हैव कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द केस, एंड फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होते हैं? बिहाइंड द मिरर, उधर को जा रहे हैं हम, इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अभी कुछ प्रॉब्लम बची इस क्वेश्चन में, आपको यू पता लग गया, एफ पता लग गया, फोकल लेंथ इज +2.5 मीटर एंड यू इज -20 मीटर, कैन यू कैलकुलेट वी नाउ? यस जल्दी से करके बताइए मुझे कितना आ रहा है वी, डू इट फास्ट। बिहाइंड यस बच्चा, डन। फोर्टी फाइव अपॉन 100 तो करो अभी आगे, तो ये तो 1/V आया आपका, 45/100 इज 1/V, तो व्हाट विल बी वी? 100 अपॉन 100 45 अपॉन 45,
चलिए जल्दी से डेसिमल में कैलकुलेट कीजिए। हाँ, अरे अगर वो 45/100 होता तब होता ना, टू प्लेसेस के बाद जीरो। अभी कैसे हो गया 0.45? न्यूमरेटर में है 100, इट इज नॉट इन द डिनोमिनेटर। अरे बच्चे, 5 to the 10, 0, 5, 9, 45, इट विल बी 20/9। 900, मैम 2.05 आएगा। 2.05 नहीं, मेरे ख्याल से 2.25 नहीं आ रहा है। 9 to the 18, 2.2 बन रहे हैं। यस, इट इज 2.2 मीटर। वी इज 2.2 मीटर। ठीक धन्यवाद। है, चलिए समझ आया बेटा। व्हाट विल बी द नेचर? नेचर क्या होगी इसकी? कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर हैज नेचर। विच नेचर कॉन्वेक्स मिरर हैज? चलिए लास्ट हमारा इसमें क्या पूछा गया और बताइए। पोजीशन एंड नेचर, साइज ऑफ द इमेज। बेटा साइज ऑफ द इमेज देखो, मैग्निफिकेशन क्या होती है बताइए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस क्वेश्चन में तो हाइट्स गिवन ही नहीं है, अब भी कैसे निकालें साइज? कैसे निकालें साइज मींस हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज कैसे निकालें? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन नहीं। तो बेटा इस केस में ना हम माइनस वी अपॉन यू वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। माइनस वी, माइनस वी कितना आया बेटा आपका? टू पॉइंट टू पॉइंट टू 2.2। और आई कैन यूज 20/9 ऑल्सो। आई कैन यूज 20/9। 2.2 वैल्यू इसी से तो मिली है हमें। एंड यू की वैल्यू कितनी थी बेटा? -20। तो देखो कितना इजी हो गया ना ये वाली कैलकुलेशन। बट यहाँ पॉजिटिव आया था ना साइन, ठीक है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी कैंसिल, 20 एंड 20 विल बी कैंसिल। मैग्निफिकेशन इज 1/9। 1/9 मीन्स डेसिमल में अगर करेंगे तो इसको मिलेगा 0.1 समथिंग, ठीक है। तो ये मेरे को बताओ, 0 पॉइंट जो वैल्यू है, दिस इज लेसर देन 1 और मोर देन 1? लेसर ओके ओके, जब भी मैग्निफिकेशन लेस देन 1 हो तो आप ये लिखोगे द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय द वैल्यू ऑफ 0.11। लिख लो बेटा इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें ये नहीं पता ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, हमें ये भी नहीं पता इमेज का साइज कितना बनेगा। हमें बस अब इतना पता लगा है कि ऑब्जेक्ट का साइज जो भी होगा, इमेज का साइज उससे इतना क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बेटा, इतना ऐड हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी वो इमेज। मैम, कैन यू रिपीट दैट? यस 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 बेटा, लिखो जरा इसको, लिखिए ये सॉल्व कर लो पार्ट, राइट दिस पार्ट ऑल्सो। देखिए, एज द साइज ऑफ इमेज, ओ सॉरी, एज द मैग्निफिकेशन, एज द मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन, लेस देन वन,
less than one. So the size of image will be reduced by the value of will be reduced by the value of 0.11 by the value of 0.11, then the size of the object. समझ आ गया बेटा? स्मॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी इस केस में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और हाइट ऑफ इमेज छोटी होगी. एक एग्जाम्पल है इससे मिलता जुलता, आपकी बुक में 10.1 क्वेश्चन है और 9.1 हो गया. अब तो न्यू बुक्स में, जिनके पास ओल्ड होगी तो 10.1 होगा, पूरा न्यू एडिशन में 9.1 होगी एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जैक्टली इसी बिहाफ पर है जिसमें हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, स्टिल साइज पूछा गया आपसे. ठीक है, यू कैन चेक इट एंड सॉल्व इन दिस मैनर ओनली. ठीक है बेटा, इज इट सो सफिशिएंट, दिस इज फॉर इनफ टुडे. बाय एवरीवन. बाय मैम. एनी जस्ट अ मिनट, किसी ने कोई डाउट पूछना है? स्टिल कोई डाउट? आफ्टर दैट आई विल लीव. Any doubt? Sign conventions, numericals, anything? No, ma'am. Okay, beta. Then bye, everyone. Okay? Bye. Bye, beta.